सो हेलो गाइस, मैं हूँ डीटी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो PUBG Mobile का लैग है वो कैसे फिक्स किया जाए। आज का इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ और इसके बाद आपका लैग 100% फिक्स हो जाएगा। अभी जो मैंने गेम प्ले प्रूफ डाला है तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर FPS काउंटर है, तो वहाँ पर जो FPS काउंटर है वहाँ पर देखिए मैंने जो एक्टिव स्टॉ लगाई थी 40 FPS की, तो उसके हिसाब से मुझे FPS मिल रहे हैं, वो भी कॉन्स्टेंट 40 FPS। कभी 41 भी जा रहा है, कभी 39 भी जा रहा है। इसका मतलब फ्रेम ड्रॉप्स में देखने को नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। इस जो मैंने कॉन्फ़िग बनाया है मेहनत करके, मतलब को एक्चुअली 1-2 घंटा लगा उस कॉन्फ़िग बनाने के लिए, तो उसके लिए तो एक लाइक बनता ही है वीडियो के ऊपर। तो देखिए अभी भी 40 FPS कॉन्स्टेंट है, मैं यहाँ पर फाइट ले रहा हूँ और क्लासिक पे भी ये 40 FPS होगा, 39-38 तक जाएगा, लेकिन मिलेगा आपको अच्छा FPS मिलेगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ आपको वैसे करना पड़ेगा, तभी आपका लैग 100% फिक्स हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे ईजीएस्ट एंड बेस्ट सेटिंग है मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसी सेटिंग्स मैं आज आपको देने वाला हूँ जिससे कि आपका लैग्स बहुत फिक्स हो जाएगा और बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत कम। तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा लिंक होगा, वो आपको ओपन करना है। उस लिंक को ओपन करने के बाद देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पर बहुत लोगों को डाउनलोड करने आता नहीं है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाउनलोड कैसे करते हैं। तो उस लिंक को अगर आपने एक बार ओपन कर दिया, उस लिंक को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड, क्लिक ऑन फर्स्ट द अपर पोस्टर एडवर्टाइज एंड कॉपी दैट URL। देखो इसको आपको पूरा का पूरा इग्नोर करना है, जो लिखा है ना सबमिट, और ये इसको इग्नोर करना है पूरा। इसको इग्नोर करके नीचे जाना, स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आई एम नॉट ए रोबोट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर रुकना है, फिर वहाँ पर एक वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। देखो टिक आ गया, टिक आने के बाद आपको और नीचे जाना है, यहाँ पर ऑप्शन लिखेगा कंटिन्यू नेक्स्ट, इसको आपको दबाना है कंटिन्यू नेक्स्ट को। इसको दबाने के बाद एक बाद में एक और आपके पास सामने पेज आ जाएगा सामने। देखो ये पेज आया, तो इसको आपको क्या करना है यहाँ पर अभी, हाँ सबसे मेन बात तो आपको यूज़ करना है क्रोम ब्राउज़र ही, बोलो क्रोम ब्राउज़र में ही आपका ये डाउनलोड होगा, तो क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करना, दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ ना करना। तो इसको क्या करना है आपको नीचे जाना, स्क्रोल करना वो पे जाने के बाद। तो देखो यहाँ पर टाइमर होगा, योर लिंक इज़ ऑलमोस्ट रेडी, 16 सेकेंड्स वेट करो। तो अपने को क्या करना है 16 सेकेंड वेट करने का है। तो भाई जो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, और मैं खास ये आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका लाइक फिक्स हो सके मोबाइल के अंदर। तो देखो गेट लिंक का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर क्लिक करना है गेट लिंक का। गेट लिंक के ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सामने एक पेज, एक ऐड टाइप आएगा, देखो ये एक ऐड आएगा। तो आपको क्या करना है, रीसेंट टैब होता है, देखो यहाँ पर जो होता है ये क्लिक करना है आपको, और इसको हटा देना है, कट कर देना है। सो कट करने के बाद दूसरा पेज खोलना है, देखो यहाँ पर आपकी फाइल है, ये लोड होगा। ऐसे लोड होने के बाद आपको ये देखो दो ऑप्शन होंगे यहाँ पर, एक लिखा होगा डाउनलोड और एक लिखा होगा ओपन इन मेगा ऐप। तो आपको क्या करना है यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, डाउनलोड पर। देखो अब धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड पूरा हो गया। अभी एक ऑप्शन आएगा मेरे को सेव फाइल पर क्लिक करना है। सेव फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा डाउनलोड, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पर दबाना है, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है इसको ओपन, तो मैंने इसको डाउनलोड पहले से करके रखा है तो आपको बताता हूँ। देखो ये वो एप्लीकेशन है, इसको ओपन करने के बाद देखो बहुत लोग के पास ये एप्लीकेशन होता है लेकिन उनका लैग फिक्स नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सी सेटिंग अपने फ़ोन के लिए बेस्ट होती है और कौन सी सेटिंग अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइस अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो यहाँ पर क्या करना है, गेम वेरिएंट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना है ग्लोबल 0.18.0। तो याद रखिएगा ऐसी सेटिंग से जो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर कोई बताएगा नहीं, जो लैग की सेटिंग है जहाँ से आपका लैग बहुत 100% दिखते हैं। देखो ये इतने सारे आपका सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन आपको क्या सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर बहुत सारे रेजोल्यूशन है, मैं वीडियो का जो राइट साइड आप देख सकते हो, राइट साइड पर लेफ्ट साइड, वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कौन से रैम के लिए कौन सा रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना है, तो वो ज़रूर चेकआउट करिएगा। अभी अगर आपको 4GB रैम है तो 540 ले लो, जैसे कि मैंने लिया है। ग्राफिक्स आपको लेना है स्मूथ, FPS को सिलेक्ट करना है, देखो FPS सिलेक्ट करना है आपको 40, ओके। 4GB रैम के लिए 40 और 3GB रैम के लिए मैं बाजू में लिख दूंगा, वीडियो के बाजू में जस्ट ब्लैक स्क्रीन होगा, वहाँ पर देख लेना कि आपको कौन सा FPS सिलेक्ट करना है। स्टाइल आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको मतलब क्लासिक रखना है, फिर जो कलरफुल पसंद है कलरफुल देना है। शेडो आपको पूरा का पूरा डिसेबल करना है,
MSD जो होता है उसको भी डिसेबल करना है आपको, याद रखिए MSD इंपॉर्टेंट है, डिसेबल करना है। फिर आपको बैक आना है, फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पर मिसलेनियस ग्राफिक्स के ऊपर। वहाँ पर क्लिक करने के बाद कलर फॉर्मेट होता है, तो कलर फॉर्मेट देखो 32 बीट FPS के लिए होता है और 64 बीट जो गेम क्वालिटी पे उसके लिए होता है। फिर अपने क्वालिटी से कुछ मतलब ज़्यादा है, जिसको लैग फिक्स करना है क्वालिटी थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, तो 32 बिट पे क्लिक करिए जिससे कि FPS बहुत अच्छा होता है। देखो ग्राफिक्स रेंडरिंग लेवल, तो इसको क्या करना है, इसको आपको लो करना है, एकदम लो करना है। एडवांस में जाना है, एडवांस में जाके जो भी है ऑब्जेक्ट्स LOD डिस्टेंस एंड मटेरियल LOD डिस्टेंस को भी आपको लो करना है सिलेक्ट करके, क्योंकि लो करने के बाद डिटेल मोड है उसको आपको ऑफ ही रख के ऑफ ही रखना है, लाइट्स इफेक्ट्स है उसको भी आपको ऑफ ही रखना है। ओके, फिर आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखेगा एडवांस ग्राफिक्स, एडवांस ग्राफिक्स पे जाना है और आपको क्या करना है यहाँ पर मेमोरी बूस्ट, बूस्ट ऑफ द गेम परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर आपको एनेबल करना है। जियो लैग मोड को आप ऑन कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बहुत भी अच्छा है। तो और ये जो नीचे जो बोनस है देखो हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेंडरिंग, मतलब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्या करना है जी ओपन जी एल 2.0, इससे क्या होगा आपका इम्प्रूव गेम परफॉर्मेंस। तो ये बात है यहाँ पर। उसके बाद मैं नीचे आपको एक और ऑप्शन आएगा एडवांस, एडवांस पर क्लिक करके आपको आएगा GPU ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर डिफॉल्ट होगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अप्लाई ऑल, अप्लाई ऑल पे सिलेक्ट दबाते ही आपका जितने भी ऑप्टिमाइजेशन होंगे, जो GPU होता है, GPU से क्या होता है गेम रेंडर होता है, ग्राफिक रेंडर होती है, लैग जो भी बंदे आते हैं, जो भी लैग होते हैं, वो भी सब GPU के थ्रू होता है। तो अगर आपको GPU अगर आपका अगर ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो आपको शायद लैग होने को ना मिले, इसलिए करना है आपको अप्लाई ऑल। ओके, पटेटो ग्राफिक्स अभी तक के लिए वर्किंग नहीं है तो आपको ट्राई मत करना। आप यहाँ पर नीचे एक लास्ट सेटिंग होता है सेव सेंसिटिविटी सेटिंग, इसको भी आपको ऑन करना है। इसको अगर आप ऑन नहीं करोगे तो शायद आपको प्रॉब्लम देखेगा, आपको सेंसिटिविटी रिसेट हो जाएगी, जिसको भूलना हुआ जिसको ऑन करना, इसको आपको ऑन करना ही है। तो गाइस ये आज की वीडियो थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और भाई जिनका भी फ़ोन में गेम लैग होता है ना, तो उन लोग को जाकर ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी आपके फ्रेंड्स का भी लैग फिक्स हो सके। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, ऐसे ही मैं लाइक फिक्स से लाता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।